रेडियो हिंदुस्तान, वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान, आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। मुगले आजम ने किया 63 सालों का सफर पूरा। सायरा बानो ने शेयर किए फिल्म से जुड़े कई अनसुने फैक्ट्स। दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर स्टारर कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम आज भी बॉलीवुड की किसी धरोहर की तरह है। इस फिल्म के बाद पृथ्वीराज कपूर को लोगों ने अकबर दिलीप कुमार को सलीम ही मान लिया था। फिल्म की शूटिंग होने से लेकर एडिट होने तक पर्दे पर आने में 9 साल तक का लंबा सफ़र तय करना पड़ा। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का नाम रोशन कर दिया था। आज इस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 63 साल बीत चुके हैं। यह फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज़ हुई थी। इस मौके पर दिलीप कुमार की पत्नी और बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ऐसी जानकारी दी है जिन्हें सुनकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। एक्ट्रेस सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम इस फिल्म की झलक देख सकते हैं। वीडियो में फिल्म के ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों हिस्सों की झलक दिखाई गई है। इसमें दिवंगत लता मंगेशकर की लोकप्रिय गीत प्यार किया तो डरना क्या और मोहे पनघट पे मौजूद है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक नोट लिखा है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर मुगले आजम जितनी गहरी छाप नहीं छोड़ी है। के आसिफ की यह फिल्म भारतीय फिल्म निर्माण की महिमा के लिए एक कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ी है। इस फिल्म में साहेब की मनमोहक भूमिका ने इसमें अतिरिक्त परत जोड़ दी है। उन्होंने आगे कहा, साहेब का किरदार सलीम मंत्रमुग्ध करने वाला था। चरित्र में जान डालने की उनकी क्षमता, चाहे कोमल रोमांस के क्षण हो या भयंकर विद्रोह, देखने लायक थे। उनका शक्तिशाली प्रदर्शन आज तक दर्शकों के दिलों में गूंजता है। सायरा ने आगे लिखा कि मुगले आजम समय की सीमाओं को पार करती है। सायरा बानो ने आगे लिखा, फिल्म की समाप्ति तक की यात्रा अपने आप में किसी महाकाव्य गाथा से कम नहीं थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 10 वर्षों तक चली। लुभावनी राशि शीश महल से लेकर ठुमरी जैसी कालजयी संगीत धुनों तक फिल्म के हर पहलू पर विस्तार से ध्यान दिया गया। नौशाद द्वारा बनाई गई मोहे पनघट पे और कव्वाली तेरी महफिल में सौंदर्यपूर्ण रूप से लेकर मनमोहक वेशभूषा तक सब दिखाया गया। फिल्म की कहानी मुगल प्रिंस सलीम यानी जहांगीर और अनारकली की लव स्टोरी पर बेस्ड है। मधुबाला ने अनारकली का रोल प्ले किया था। अनारकली जहांगीर के पिता अकबर के दरबार की नर्तिका हैं। सलीम के पिता अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इस वजह से सलीम और उनके पिता अकबर के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिल्म इम्तियाज अली ताज के नाटक अनारकली पर बेस्ड है। बता दें कि मुगले आजम पहली ब्लैक एंड वाइट हिंदी फिल्म थी जिसे डिजिटली कलर करवाया गया था। फिल्म के कलर वर्जन को 2004 में थिएटर्स में दोबारा रिलीज किया गया था। फिल्म आज भी सिनेमाई जादू का एक प्रतीक बनी हुई है, जो हमें भारतीय सिनेमा की कलात्मक ऊंचाइयों की याद दिलाती है। यह फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह याद दिलाती है कि सच्ची कलात्मकता की कोई सीमा नहीं होती है और यह समय की कसौटी पर खरी उतरती है। मुगले आजम डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली फिल्म थी जो पहली बार थिएटर में दोबारा रिलीज हुई थी। फिल्म का रंगीन संस्करण 12 नवंबर 2004 को रिलीज किया गया था। सायरा ने अंत में कहा कि यह फिल्म हमें बार बार इसकी प्रख्यात सफलता का स्मरण कराती है। फिल्म ने कई पीढ़ियों के फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेस को प्रेरित किया। ये फिल्म साबित करती है कि सच्ची कला है तो समय के विपरीत भी लोग सराहना जरूर करेंगे। बता दें कि कुछ समय पहले ही सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर शिरकत की है। वे दिलीप साहेब की रेयर फोटोज़ और किस्से शेयर करती रही हैं। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।